हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यू अपडेट इंक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले लक रेल में जाना है। लक रेल में जाने के बाद इंक्यूबेटर आ चुका है, और यहाँ पे आप इंक्यूबेटर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बंडल है। तो गाइस, हम पूरी फुल डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बंडल। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरी फुल डिटेल्स में दिखा दूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब बंडल आ चुका है। यहाँ पे 6 बंडल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 बंडल जो है मेल बंडल है, और यहाँ पे 3 बंडल फीमेल बंडल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला बंडल है, यहाँ पे गोल्डन सेड वगैरह कुछ लिखा हुआ है, गोल्डन सेड बंडल, और यहाँ पे गोल्डन ब्रेथ बंडल जो है, और यहाँ पे कुछ नेवी सेड बंडल है, और यहाँ पे कुछ फैंटम बंडल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो दोनों बंडल है एक ही बंडल है, ये फीमेल बंडल है, ये रहा मेल बंडल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं बंडल में आपको सबसे पहले यहाँ पे हेड मिलेगा, जो कि हाइड हेलमेट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मस्त लग रहा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये मास्क मिलेगा, ये भी अच्छा लग रहा। और उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे बटन मिल जाएगा, उसके साथ आपको यहाँ पे एक शूज़ भी मिल जाएगा। तो ये वाला बंडल जो है आपको कितने में मिलेगा, इसका क्या प्राइस है, यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं। यहाँ पे 7 इवोल्यूशन स्टोन है, प्लस 3 ब्लूप्रिंट आपको लगेगा ये दोनों में से, मतलब किसी एक को परचेज करने के लिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे उसके बाद वाला बंडल देख सकते हैं, यहाँ पे नेवी सेड बंडल है। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, हेयर स्टाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं हेड है, मतलब हेलमेट है, और यहाँ पे आपको मास्क मिलेगा, टॉप मिलेगा, बॉटम मिलेगा, उसके साथ एक शूज़ मिलेगा। तो यहाँ पे फीमेल बंडल में भी वही आपको मिलेगा, सेम मिलेगा। और इसका जो प्राइस है यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आप 5 इवोल्यूशन स्टोन लगेगा और 2 ब्लूप्रिंट लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्लूप्रिंट लगेगा और उसके साथ 5 इवोल्यूशन स्टोन लगेगा। उसके बाद आप इसमें से मतलब कोई भी एक बंडल को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे थर्ड बंडल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फैंटम समुराई बोल के बंडल है। तो ये आपको मिलने वाला है 3 इवोल्यूशन स्टोन प्लस 1 ब्लूप्रिंट, मतलब ये गाइस काफ़ी सस्ता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे इसके गोल्डन वाले के। तो यहाँ पे इसे आप जीत सकते हैं और विन कर सकते हैं, इसे आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जो इलेट पास आया था तो उसके साथ सबको एक एक इवोल्यूशन स्टोन मिला है। तो वहाँ से आपके पास एक इवोल्यूशन स्टोन है। और गाइस, आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास वाउचर है, मतलब इंक्यूबेटर वाउचर जो है, अगर आपके पास एक है तो उसे ट्राई कीजिए। अगर आपको इवोल्यूशन स्टोन मिल जाता है तो उसके बाद आपके पास जो 300 400 या जो भी डायमंड है उन कर दीजिए, और थर्ड इवोल्यूशन स्टोन जो है आप मिल सकता है, मतलब आप ट्राई कीजिए। तो उसके साथ तो आपको ब्लू प्रिंट वगैरह भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास 2 मिल जाता है तो आप जाके ट्राई कीजिए, आपको मिल सकता है। उसके साथ अगर ये बंडल आपको मिल जाता है तो ये यहाँ पे सबसे सस्ता है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये हेयर स्टाइल है। तो ये सब हेयर स्टाइल से मतलब कुछ कम नहीं है, ये भी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ यहाँ पे आपको एक मास्क मिलेगा, यहाँ पे आपको टॉप मिलेगा, ये रहा बॉटम, और ये रहा आपको शूज़ मिलेगा। तो गाइस, ये बंडल भी उतना ख़राब नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके लिए आपको लगेगा 3 इवोल्यूशन स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट, इसमें से मतलब आपको दोनों में से कोई भी एक लेना होगा या कोई भी एक्सचेंज करना होगा, तो उसके लिए आपको 3 इवोल्यूशन स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट लगेगा। और नीचे में जो दे रखा है यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट का फैंटम नाम है। तो यहाँ पे बैक करते हैं, और हम पूरी फुल डिटेल्स में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मतलब ये सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इवोल्यूशन स्टोन है, यहाँ पेट फूड है, बॉक्स वगैरह, कुछ गन का मतलब लूट क्रेट है, यहाँ पे इवोल्यूशन फ्रैगमेंट वगैरह है, यहाँ पे इवोल्यूशन, और यहाँ पे फार्मस का बॉक्स वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे बैज दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू प्रिंट दिख रहा। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक इंक्यूबेटर वाउचर है। तो चलिए, हम यहाँ पे स्पिन करके आपको दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक स्पिन करता हूँ, अगर मेरे को मतलब इवोल्यूशन स्टोन मिलता है, तो गाइस हम आगे स्पिन करेंगे, और गाइस मेरा जितना सारा मतलब डायमंड है उसे वेस्ट कर देंगे, और एक ब्लू प्रिंट लेने के लिए और एक इवोल्यूशन लेने के लिए जो भी लगेगा डायमंड हम उसे वेस्ट करेंगे, और ट्राई करेंगे कि हमें 3 इवोल्यूशन स्टोन जो है मिल जाए।
और उसके साथ जो है मेरे को एक ब्लू प्रिंट मिल जाए। तो गाइस अभी स्पिन करेंगे, अगर मेरे को इवोल्यूशन स्टोन मिलता है तो उसके बाद हम जो है आगे स्पिन करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद आगे स्पिन नहीं करेंगे। गाइस यहाँ पे नहीं भी मिल सकता क्योंकि ये नया है, अभी ऐड हुआ है तो नहीं भी मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं फर्स्ट स्पिन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्पिन जो है कर चुका हूँ, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को बैज मिला। तो इसके बाद गाइस हम यहाँ पे स्पिन नहीं करने वाले क्योंकि मैं बोला था अगर मेरे को एक इवोल्यूशन स्टोन मिलता है तो मेरे पास दो इवोल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद जो है एक इवोल्यूशन लगता है एक ब्लूप्रिंट लगता मैं स्पिन कर देता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को इवोल्यूशन स्टोन नहीं मिला, तो अगर अभी हम जाते हैं इवोल्यूशन के लिए तो मेरे को दो इवोल्यूशन और एक ब्लूप्रिंट लगेगा ये वाले बंडल के लिए। ये जो सबसे नीचे वाले फैंटम बंडल है इसके लिए दो इवोल्यूशन प्लस एक ब्लूप्रिंट लगेगा। तो गाइस उसके लिए हमें बहुत सारे डायमंड जो है वेस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे ही इतना मतलब आसान, इसलिए हम नेक्स्ट स्पिन नहीं करते हैं, तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पूरी फुल डिटेल्स में बता दिया, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं फिर एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।